कि आप इस बार आने वाले लोकसभा के चुनाव में अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए, अपनी लीडरशिप को बनाइए। बीजेपी के पास 306 एमपी है, एक भी मुस्लिम अकलियत का एमपी नहीं है, राजद के का कोई एमपी नहीं है, कांग्रेस में है कितने, एक ही है उनके खाली 50। मगर बताओ फिर आपकी आवाज कौन उठाएगा, कौन आपके हक के लिए लड़ेगा, कौन तुम्हारी मस्जिदों की हिफाजत की आवाज उठाएगा, कौन तुम्हारी शरीयत की मदाखलत के अगर होगी तो उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, कौन अगर किसी बिलकिसबानों को अगर नाइंसाफी होगी तो कौन उसकी आवाज उठाएगा, कौन सीमांचल की लड़ाई लड़ेगा। याद रखो, सीमांचल की ये लड़ाई अख्तरुल ईमान से हटकर कोई नहीं लड़ सकता। मैं जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं, अगर आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला यकीनन किशनगंज से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार आपके दुआ और वोटों से यहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर इंशाअल्लाह ताला जाएगा।